आज रेसिपी पैलेस पर हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे कि आपके फेस पे बहुत अच्छा से ग्लो रहेगा, आपकी स्किन टाइट रहेगी। आप अक्सर पार्लर में जाते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन बिना कुछ खर्च किए भी आप फेशियल जैसा ग्लो आप घर पर ही पा सकते हैं, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। तो अक्सर क्या होता है कि आप मार्केट से बहुत सारे प्रोडक्ट खरीद कर लाते हैं और उसका रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं आता है। तो आज हम किचन की देखिए इस छोटी सी ही चीज से अपनी स्किन को चमकदार और रिंकल फ्री बना सकते हैं। टमाटर जो कि हर घर में मौजूद होता है, तो आज हम इसी से एक पैक तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें पूरा टमाटर नहीं लेना है, हमें यहाँ पर आधा टमाटर इसका यूज करना है। टमाटर हमारी स्किन को ब्लीच करने का भी काम करता है। जो बाजार के प्रोडक्ट होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, हमारी स्किन को बहुत नुकसान देते हैं, लेकिन जो ये घर की चीजें होती हैं, जो हमारी किचन में ही आसानी से मिल जाती हैं, उनसे साइड इफेक्ट्स इसके बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो टमाटर को देखिए, हमने पीसेस में काट कर उसको इस तरह से जार में डालकर इसको पेस्ट की तरह हमने तैयार कर लिया है। और अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। और टमाटर के साथ ही हम एक और चीज इसमें मिक्स करने वाले हैं, जो कि आपके किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। वो यहाँ पर हम ले रहे हैं चावल का आटा। तो चावल का आटा हमारी स्किन को टाइट करता है, रिंकल फ्री बनाता है। कोरियन स्किन केयर में भी चावल के और उसके पानी के बहुत सारे फायदे बताए गए हैं। चावल के पानी को अगर हम अपने बालों में डेली लगाते हैं, हफ्ते में एक बार दो बार, मतलब धोने से पहले, तो उससे बहुत अच्छे बाल रहते हैं, उसको बालों को भी ग्रोथ मिलती है। तो देखिए, हमने 2 चम्मच चावल का आटा इस टमाटर के जूस में मिक्स कर दिया है। चावल को कई तरीके के फेस मास्क बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसको मिक्स कर लिया है और मैं हाथों पर ही इसको लगाकर दिखा रही हूँ आपको। तो हम इसे लगाएंगे, अच्छे से रब करेंगे। तो इससे क्या, हमारी स्किन में जितने भी डेड सेल्स है, डेड स्किन है, वो भी निकल जाएगी और अच्छे से हमारी स्किन क्लीन हो जाएगी। टमाटर जो कि ब्लीच का काम करता है, धीरे धीरे हमारी स्किन, आप देखेंगे, रंग में निखार आने लगा है, ग्लो करने लगी है हमारी स्किन। और हम इसे अच्छे से रब करेंगे हल्के हल्के हाथ से और इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब हम चावल के आटा और टमाटर का पैक को छोड़ देते हैं, तो इससे क्या है, हमारी स्किन धीरे धीरे ये जब ड्राई होगा तो स्किन और भी ज्यादा टाइट हो जाती है। तो ड्राई डेड स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, तो आप इसमें 1 चम्मच ऑलिव ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं, तो इससे ड्राइनेस भी दूर होगी। तो हम इसे की इसे रब करेंगे और यहाँ पर थोड़ी ही देर में मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी कि बहुत ही अच्छे से ग्लो करने लगा है और दोनों ही हाथों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। आपकी स्किन बहुत ग्लो स्मूथ हो जाती है, बिल्कुल ग्लो करने लगती है और जितने भी डेड स्किन है वो भी निकल जाती है। और अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार इस पैक को यूज करते हैं, 10 से 15 मिनट लगाएं और उसके बाद आप हल्के गर्म पानी से इसको धो लें, तो देखिए कितना कलर आपका चेंज हो जाता है। देखिए, यहाँ पर ये हाथ है, दूसरा हाथ देखिए, दोनों हाथों में कितना फर्क है। तो जो दूसरा हाथ है वो काफी कलर डार्क लग रहा है। तो इस तरह से अगर हम ये चावल के आटे और टमाटर से पैक बनाते हैं, तो हमारी जो डेड स्किन है वो निकल जाती है, स्किन ग्लो करने लगती है, ब्लीच हो जाती है। और जो फेशियल वाला ग्लो आप पार्लर जाकर पाते हैं हजारों रुपए खर्च करके, वो घर पर ही केवल 10 मिनट आप अपनी स्किन को दें, उससे ही आपको मिल जाता है। बिल्कुल स्मूथ स्किन आपको मिलती है। अगर आपकी स्किन पर कुछ डार्क स्पॉट्स हैं या फिर जैसे कि गर्मी बहुत ज्यादा है तो टैन हो जाती है स्किन, तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम है वो भी इसे यूज करने से धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी स्किन का कलर हल्का हो गया है, डार्क स्पॉट्स हटने लगे हैं, इससे बहुत अच्छे से डार्क स्पॉट्स रिमूव हो जाते हैं। ये घरेलू नुस्खा है जो कि बिना खर्च के आप अगर हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसे यूज करें तो आपको इससे बहुत फायदा होगा। इस तरह के बहुत सारे नुस्खे मैंने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो आप ये सब जरूर ट्राई कीजिएगा
और आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए।